भी शुरू हुआ। लगा था मैं नहीं आऊंगी तो फिर ये क्यों भेजा? इसे तुम वापस ले आई? नहीं बता ये क्या है? ये एक सिंथेटिक गैस है, केमिकल ब्रेन वॉशिंग का काउंटर एजेंट। ये गैस दिमाग के न्यूरल पाथवेज को इम्यूनाइज करता है ताकि कोई उसे कंट्रोल न कर सके। वैसे भी मैं भाग रही हूँ, या मरने के लिए क्यों बुलाया? तो फिर मैं और क्या करती? तुम ही तो एक सुपर हीरो टाइप की इंसान हो जिसे मैं जानती, इसलिए तो मैंने तुम्हें ये भेजा। बार बार इसी उम्मीद में टीवी देखी रही कि किसी दिन ये सुनने को मिले कि कैप्टन अमेरिका ने रेड रूम को मार डाला। और कितने लग गया है? बहुत। रूम कहाँ है ये मुझे सच में नहीं पता। हम शादी जानती हूँ, शायद मैं किसी को शादी। सच में कौन? हमें एक प्लेन की जरूरत है। तुम ये बताओ कि रेड रूम कहाँ है? मैनू कुछ नहीं पता। जितना दर्द होगा उतना स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तुम्हें तो कहा था, तुम्हारी सीख ने आज तक जिंदा रखा है। आई एम सॉरी, मैंने रेड रूम को बता दिया कि तुम यहाँ हो। वो बस आते ही आगे। पर क्या उससे एक बार बात नहीं करना चाहोगे? जिसे पाए सौ नकाब भी पहन ले तो मेरी नजर से बच नहीं सकता। वेलकम होम। अगर तुम्हें उसका डेटाबेस मिल गया और उसकी चाबी तुम्हारे सामने भी हो तो भी तुम उससे छीन नहीं पाओगे। सालों से ड्रेक अपने सभी वीडियोस में एक फेरोमोन लॉक लगा रखा है। जब तक हम उसकी खुशबू सूंघ सकते हैं हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपनी सांसें रोकना काफी नहीं है, बेसिक साइंस है। नताशा, अगर किसी की खुशबू को रोकना है तो तुम्हें अपनी नाक की नस को तोड़ना होगा। तुम कितनी भी ताकत लगा लो ड्रेको, पर एक काम तुमसे नहीं होगा। मुझे नाक की नस को तोड़ने से